कांग्रेस नेता मोहम्मद फखरुद्दीन खान की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। इस मामले में मोहम्मद फखरुद्दीन खान के परिजनों ने 9 लोगों को नामजद कराते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या की जांच के लिए रामनगर SDPO अर्जुन लाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। इनके हत्याकांड में उनके परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें 9 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जाएगा और अनुसंधान दल का भी गठन किया गया है जो अग्रतर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि फखरुद्दीन को हमलावरों ने घर से बाहर बुलाया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। फखरुद्दीन की पहचान चंपारण की राजनीति में दबंग नेताओं के तौर पर होती थी। वो रामनगर और नरकटियागंज से कांग्रेस और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी रामनगरिया पंचायत की मुखिया है। वर्तमान में फखरुद्दीन पंचायत का ही काम देख रहे थे। देखना होगा कि पुलिस चर्चित कांग्रेसी नेता फखरुद्दीन हत्याकांड की गुत्थी कब तक सुलझा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।